वजीर आजम का मिशन लाहौर, ईवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। इमरान खान का एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, बेहतर हिकमत अमली से कोरोना केसेस में वाज़े कमी हुई, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वजीर आजम से ईवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आजम ने एक बार फिर अपने वसीम अकरम प्लस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से SOPs पर जबरदस्त अमल दरामद करवाया गया, जिससे कोरोना वायरस के केसेस में वाज़े कमी हुई, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम को ब्रीफिंग देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात में वाज़े कमी की है। लाहौर के शिमाल में जदीद शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी कायम की है। अथॉरिटी नया शहर बसाने के लिए काम करेगी। नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा, जिसके लिए निजी शोबे की जानिब से 5,000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। वजीर आजम ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम और पंजाब में जारी तरक्कियाती मंसूबों समेत दीगर कारकर्दगी को सराहा। दूसरी जानिब वजीर आजम से अरकान असेंबली ने भी मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल सामने रखे। इमरान खान ने अरकान असेंबली के जायज मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को तेज करने की भी हिदायत की।